ऐसे फोटो शूट होना था, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं उसके पापा को मैं मिस कर रही हूँ यार। ये सोसाइटी का काम ना, क्या ही चेयरमैन जब से बना तब से काम ही काम होता। बट ठीक है, अभी हम लोग के फ्रेंड है तो इसलिए मुझे तसल्ली है इस बात की। फिर और जैसा भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ सोनल, सोनल दीपक। मैं आप सबका स्वागत है। सो अभी मैं आई हूँ अपने बेबी का सूट करा के लिए, फोटो शूट है उसका एक। तो फर्स्ट टाइम ऐसे तो उसके फर्स्ट बर्थडे में हमने फोटो शूट कराया था, तो वो तो मतलब नॉर्मल था, लेकिन ये प्रॉपर फोटो शूट है प्रॉप के साथ, पूरा फुल ड्रेसअप, उसको प्रिंस चार्मिंग बनाना है। तो बहुत ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा है, तो ऐसा क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ मैं कराऊंगी अपनी बेबी के लिए। तो अच्छा, तो यहाँ पे उसके पापा लेके जा रहे हैं और ये उनकी बिल्डिंग है, मतलब उन्होंने ऐसे फ्लैट पे ही लगा के रखा अपना सेटअप। तो भी मैं जा रही हूँ और देखते हैं जैसा होगा, मैं वीडियो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा कैसे कैसा करता है शौहर, क्योंकि मस्ती खोर तो बहुत मस्ती कर, देखते हैं करा पाता है कि नहीं। इनका चेंजिंग रूम है, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा इनका चेंजिंग रूम है। तो यहाँ पे शौहर अपने मस्ती में लगा हुआ है क्योंकि इसको बहुत सारी लाइट्स दिख रहे हैं, तो उसको अच्छा लगा। और ये हैं हमारे डिज़ाइनर साहब जिन्होंने कपड़े बनाए, तो इनको तो आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा है क्योंकि हमारे फ्रेंड भी, और मेरा बर्थडे का मतलब शौर्य का बर्थडे का ड्रेस भी इन्होंने बनाया था। तो ये फ़ोटोशूट का भी ड्रेस इन्होंने ये बनाया, ये देखिए। तो ये तो मैं जब वो पहनेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। शौर्य अपनी मस्ती कर रहा, तब तक मैं सेटअप दिखाती हूँ आप लोग को कैसा लग रहा। इनका बहुत अच्छा इनका ये सब सेटअप भी है, मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा आप करा सकते हो फोटोशूट। तो ये अभी मेरे बेबी के लिए ये सेटअप तैयार किया गया है, उसको आई थिंक प्रिंस बनाने वाले प्रिंस। तो अभी मैं देखने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं आज मेरा बेबी का फर्स्ट फोटोशूट है, तो आप देख सकते हो पूरा सेटअप रेडी है। अतुल रेडी। आपको कुछ दे दो, लिखे चार चार मैं क्या आ रही हूँ, आ रही आ रही आ रही आ रही सो फाइनली मेरे बेटे ने थोड़ा कोऑपरेट किया, अच्छा उसका फोटो खिंचाया है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है ना। मेरे इतने देर का ही काम रहता है, जो काम 5 मिनट्स में होना है बट किया, लेकिन साथ दिया इसने। थैंक यू वेतु, अच्छा थोड़ा सा लोअर एंगल से कर लीजिए, लोअर एंगल से ऐसे करके ऊपर। ये हटेगा तो एक ब्लैंक शॉट भी ले लीजिएगा, तो उसमें मर्ज कर देंगे। प्रिंस चार्मिंग देख सकते हो आप, कितना क्यूट लग रहा है, और रेडी हो चुका है ये कुकी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने कितना एंजॉय किया, और बेबी भी मेरे कितना कोऑपरेट किया, और इन लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना अच्छा से ट्रीट किया, तो मुझे अच्छा लगा।
तो अगर आपको, आप मीरा रोड से हो या फिर आप कहीं पे भी हो, तो अगर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो तो ये करा सकते हैं, तो ये अपने पेज के बारे में आपको बताएंगे। सो वी आर लोकेटेड इन मीरा रोड, आर स्टूडियो इज फुल्ली बेबी फ्रेंडली स्टूडियो, और हम लोग जो है इंडोर फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं, आउटडोर थोड़ा सा बेबी सपोर्टिव नहीं करते, इसलिए आउटडोर थोड़ा हमारा कम है। फैमिली पोर्ट्रेट करते हैं, मैटरनिटी करते हैं, न्यू बॉर्न करते हैं, न्यू बॉर्न इज डन विद इन 30 days टू 3 months तक के, एंड हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब पे भी है, टू विजिट अस। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, sure. तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डाल दूंगी, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।